Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. अगर आपने मेरी recent skincare routine video देखी होगी या फिर face wash recommendation मैंने एक video भी बनाई थी recently. अगर आपने वो videos देखी होंगी तो उसमें एक common brand आपको ज़रूर दिखा होगा because that is my personal favorite और मैं खुद भी इसको regularly use करती हूँ and the brand name is CeraVe. CeraVe एक ऐसा product है जो मैंने खुद USA से मंगवाया हुआ है, Canada से मंगवाया हुआ है. ये वाला बड़ा सा cleanser मैंने अभी recently Canada से मंगवाया था कुछ time पहले और इससे पहले वाला cleanser मैंने US से मंगवाया था अपनी सब्सक्राइबर के थ्रू. सो या ये एक ऐसा ब्रांड है जो मैं लिटरली लोगों को बोलती थी प्लीज मेरे लिए बाहर से लेके आना बिकॉज इंडिया में अवेलेबल ही नहीं था. बट अब फाइनली कोई जरूरत नहीं है इसको बाहर से मंगवाने की बिकॉज CeraVe इज नाउ अवेलेबल इन इंडिया. द ब्रांड सेंट अक्रॉस दिस ब्यूटिफुल हैम्पर विच प्योरली टॉक्स अबाउट देयर क्लेंजर विच आई पर्सनली लव. लेट मी फर्स्ट अनबॉक्स दिस क्लेंजर किट सेंट अक्रॉस बाय द ब्रांड बिकॉज आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड. सो दिस इज द CeraVe सेरामाइड बेस्ड क्लेंजर किट. नंबर वन, इट हैज अ क्लेंजर विच हाइड्रेट्स योर स्किन विच इज स्पेसिफिकली मेड for normal to dry skin. Then next up we have a purifying cleanser which is specifically made for normal to oily skin. My dermatologist also recommend these cleansers because they work to support for different skin type. Ye khali aapke skin se oil dirt nahi hatate, they also make sure ki aapke skin ko kuch de. They give and not just take from your skin. Also with the change of season we really have to make sure ki hum alag alag season ke hisab se hamari skin type change hoti hai. Winters aayenge skin dry ho jayegi to aapko wo wala cleanser use karna hai. Summers aayenge monsoon aayenge skin oily chip chip ho jayegi to आपको उस सीजन का स्पेसिफिक क्लेंजर यूज करना है. तो मैं आपको दोनों रिकमेंडेशन देने वाली हूँ विद प्रॉपर डूज एंड डोंट्स. लेट मी क्विकली गाइड यू थ्रू हाउ वन नीड्स टू क्लेंज लाइक अ डर्म. डूज नंबर वन, मेक श्योर आपकी स्किन एकदम अच्छे से वेट होनी चाहिए. पानी अच्छे से स्प्लैश करो, हाथों पे अच्छे से पानी होना चाहिए एंड ऑलवेज मेक श्योर यू इमल्सिफाई द प्रोडक्ट इन योर पाम्स. अच्छे से हाथों को गीला करके पहले क्लेंजर को इमल्सिफाई करो. डायरेक्टली उस क्लेंजर को अपने फेस पे ऊपर मत डालो. इमल्सिफाई करके थोड़ा बहुत फोम बना के एंड देन स्टार्ट फोमिंग एंड मसाजिंग on your skin. Next rule is avoid hot water. ये सबसे बड़ा don't है cleansing का. Make sure आप बिल्कुल भी hot water ना use करो. I know upcoming जो weather आ रहा है हम सबको थोड़ा सा ठंड लगती है but make sure lukewarm water हो, ज़्यादा hot water नहीं होना चाहिए. Extremely hot water से face cleanse करने पर आपकी skin का barrier खराब होता है. Skin और ज़्यादा dry stretchy feel होती है and there's a chance कि वो इतनी youthful नहीं लगेगी. Next rule of cleanse like a derm is always choose the right cleanser according to your skin type. काफ़ी बार हमें अपनी skin type ही नहीं पता होती, हम कोई भी random cleanser use कर लेते हैं फिर हम बोलते हैं हमें रिजल्ट ही नहीं मिल रहे. मेक श्योर अपनी स्किन टाइप के हिसाब से क्लेंजर चूज करो. इफ यू हैव ऑयली स्किन, आपके टी जोन पे बहुत ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन है, आपकी स्किन ऐसे शाइनी शाइनी फील होती है, थोड़ी देर बाद चिपचिपी फील होती है, देन यू हैव ऑयली स्किन, देन गो फॉर द CeraVe फोमिंग क्लेंजर विच इज फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन. मेरे पास इसी का ही बिगर वर्जन है, मैंने कैनेडा से मंगवाया था. करंटली मैं यही यूज कर रही हूँ. यू कैन सी मैंने काफी सारा यूज भी कर लिया है. ऑलमोस्ट ये यहां तक मेरा क्लेंजर आ ही चुका है. सो ये जो क्लेंजर है इट इज अ फोमिंग फेशियल क्लेंजर विच इज मेड फॉर normal to oily skin. ये cleanse करता है, remove भी करता है oil without disrupting the protective skin barrier. आपके skin के barrier को नहीं हिलाता. इसके अंदर है ceramide, niacinamide, hyaluronic acid. So overall ये oil control का भी काम करता है. Hyaluronic acid काफी अच्छे से maintain करता है skin के moisture balance को. एक smooth, plumpy skin देता है and जो niacinamide है ना वो काफी अच्छे से calm down करके रखता है आपकी skin को. जो trans epidermal water loss होता है जिसकी वजह से हमारी skin ऐसे dry feel होती है वो इसमें कम से कम होता है. Now let's talk about dry एंड डीहाइड्रेटेड स्किन जो अपकमिंग वेदर में सबकी होने वाली है. मेरी खुद की भी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, डीहाइड्रेटेड फील होती है, नरिश फील नहीं होती. तो उस टाइम पे मैं भी अपना क्लेंजर स्विच कर लेती हूँ एंड द परफेक्ट क्लेंजर बाय CeraVe हैज टू बी द हाइड्रेटिंग क्लेंजर विच इज स्पेसिफिकली मेड फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन. दिस क्लेंजर ऑल्सो हैज थ्री एसेंशियल सेरामाइड जो रिस्टोर करते हैं स्किन के बैरियर को. हाइलुरोनिक एसिड है जो स्किन को हाइड्रेट करता है. देन इट हैज MVE डिलीवरी टेक्नोलॉजी जो सप्लाई करती है स्किन को विद स्टेडी स्टीम ऑफ नरिशमेंट. ये भी नॉन कॉमेडोजेनिक है, काफी अच्छे से आपकी स्किन को क्लेंस करता है. इट इज अ वेरी जेंटल फॉर्मुलेशन विद सेरामाइड्स एंड हाइलुरोनिक एसिड. द बेस्ट पार्ट इज दीज क्लेंजर्स आर नॉन कॉमेडोजेनिक, आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेंगे, इसमें फ्रेग्रेंस नहीं है. तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है आपको तभी भी ये सूट करेगा. दैट इज द रीजन व्हाई ये डर्मैट्स का फेवरेट है. एंड द बेस्ट पार्ट इज इसमें एक्सट्रीमली फोम बनाने के लिए आपको हार्शली रब नहीं करना पड़ता. इसमें जेंटल रबिंग में ही काफी अच्छा फोम बन जाता है और आपकी स्किन बहुत अच्छे से क्लेंस हो जाती है. नेक्स्ट डूज की बात कर लेते हैं. नाउ द बिगेस्ट डूज ऑफ क्लेंजिंग इज ऑलवेज डू इट फॉर 60 seconds. Yes, slightly more than that. ज़्यादा लंबे time के लिए cleansing नहीं करनी और बिल्कुल कम time के लिए भी cleansing नहीं करनी. You should like know कि आपको 60 seconds तक तो at least massage करना है अपनी skin को. जितने अच्छे से आप massage करोगे, skin को cleanse करोगे, आपके skin की clogging निकल जाएगी, skin थोड़ी सी cleanse भी हो जाएगी. And make sure आप nooks and corners में जाओ. काफी बार ना हम ऐसे ऐसे face wash करते हैं, that's it. We ignore this area. यहाँ पर हमें acne हो जाता है, यहाँ पर काफी लोगों को acne problem होती है because हम अपनी neck नहीं cover करते. हमें अच्छे से अपनी neck भी cover करनी है और face को भी अच्छे से time देना है. So 60 second cleansing rule is the
a perfect cleansing route. So ye the kuch easy do's and don'ts while cleansing. I have personally oily acne prone skin, to mere liye to ye wala cleanser mera favorite hai. I can't wait to finish this huge bottle because kafi time ho gaya, meri ab almost khatam hone wali hai and I already have the backup by CeraVe. So really really happy, very happy jab ek achhi international brand India mein launch ho jati hai, khushi hoti hai because fir bahar se mangwane ki bajaye aap directly India mein le sakte ho. Iska link main niche description box mein de dungi, zarur check karna and do follow up with a good moisturizer and sunscreen. CeraVe ki kafi achhi moisturizer sunscreens bhi aati hain. Agar aapko unka bhi review chahiye, please let me know in the comment section. I'll definitely try and review for you guys. But ye tha mera ek quick sa cleansing guide with recommendation as well. Let me know aapki kaun si skin type hai, aapki oily skin type hai, fir dry skin type hai, mujhe comment section mein zarur batana. And yeah, in sabke links aapko niche comment section mein mil jayenge. Do check it out and that is it for today's video. I'll see you next time. Bye bye.